अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम कशमाला बतूल है और मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ सक्खर इंटीरियर सेंस से। और रेफरी का शौक़ मुझे इसलिए हुआ क्योंकि मैं वैसे बेसिकली तो मैं नेशनल प्लेयर हूँ हॉकी की और फुटबॉल भी मैं खेलती रही हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ फील्ड में कोचेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारे अगर देखा जाए तो ए लाइसेंस तो कोई है ही नहीं, बी लाइसेंस भी हमारे पास चंद ही हैं। तो रेफरी एक ऐसी फील्ड थी जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाए तो गर्ल्स में रेफरी का चांस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे हमारे पास कोई नेशनल रेफरी और फीफा रेफरी तो अभी तक कोई है ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम उस फील्ड को ज्वाइन करें जिसमें कोई नहीं जाता, और बस इसी चीज़ को मैंने सामने रखा और मैंने नेशनल रेफरी का जब कोर्स हुआ 2018 में तो मैंने एलीट रेफरी कोर्स किया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन लाहौर में, और इसके बाद मैंने नेशनल सीनियर चैम्पियनशिप हुई, अंडर 16 चैम्पियनशिप हुई, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई और मैंने एज अ रेफरी वहाँ पर पोस्टिंग भी थी मेरी और मैंने काम भी किया और एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और बस अगर आप मुझसे ये पूछें कि मैं गर्ल्स के लिए आगे रेफरीज़ को जाने के लिए कहूँगी तो डेफ़िनेटली मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि हमारे पास लड़कियों की बहुत ज़्यादा कमी है कि वो रेफरीशिप की तरफ नहीं आती, कोचिंग की तरफ ज़्यादा चली जाती हैं, क्योंकि जो भी प्लेयर खेलता है वो खेलने के बाद वो कोच बन जाता है, वो रेफरी नहीं बन पाता। तो मैं रेकमेंड करूँगी और आई होप कि इसके बाद जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप होती हैं जूनियर हों या सीनियर हों उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की पार्टिसिपेशन हो। आपने मुश्किल सवाल पहले ही कह दिया, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि देखिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और जो हमारे मेल रेफरीज़ हैं जब वो फीमेल के मैचेस करवा सकते हैं तो डेफ़िनेटली वो फीमेल जो कि फील्ड में खुद खेलती रही हैं उनको पता है कि गेम किस तरह प्ले करना है और उसके क्या अप एंड डाउन्स हैं और उसके क्या लॉज ऑफ द गेम्स हैं, जब हम उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली हम कर सकते हैं। और ये नहीं कह सकते हम कि मेल और फीमेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन या फिर वो मेल कर सकते हैं फीमेल नहीं कर सकती। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो बहुत सारे बॉयज़ के मैचेज इस तरह होते हैं जिसमें फीमेल्स रेफ जो हैं वो सेंटर रेफ एज अ सेंटर रेफ जो है वो मैच करवा रही होती हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल ही मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में लड़कियों के लिए रेफरी बनना है, क्योंकि लड़कियाँ रेफरी की तरफ आ नहीं रही हैं, और अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जितने भी सीनियर मेल्स हैं फीफा रेफ्स हों या असिस्टेंट फीफा रेफ्स हों या फिर नेशनल रेफरीज़ हों, वो बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं लड़कियों को आने के लिए भी, और जो भी जहाँ पर भी हमें सीखना हो हमारे गैप्स हों उसमें बताने के लिए भी। तो मैं नहीं समझती कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल है, जब हम मिलके काम करते हैं एज अ यूनिट काम करते हैं तो फिर कोई मेल और फीमेल नहीं होता, फिर एक रेफ होता है और वो चाहे मेल हो या फीमेल हो उसने काम कराना होता है, मैच कराना होता है और दैट्स।